hi friends welcome to today's live session so this is our unit number 40 of i and ifs and we are going to discuss our credit rating and credit scoring topic so daily we are covering one unit mcqs and until uh, uh, now we have covered till unit number 39 and today we will discuss unit number 40 so friends so we are conducting daily free quizzes for you on our app that is jv and cib made simple this is the name of the app so you can uh, install the app from the download section okay from the in the description section i have provided you the link you can install the app and start giving daily quizzes okay on daily basis so do install this particular app and start giving daily quizzes on daily basis now let's come to the next slide so i have we have an exclusive offer for you that you can enjoy 40% discount on all jiv courses offer valid till midnight so you can enroll now and boost up your exam preparation now what uh, code you have to apply this is a coupon code that is excel40 off you have to apply this coupon code while checkout to avail टू अवेल दिस पार्टिकुलर ऑफर सो डू अवेल दिस पार्टिकुलर ऑफर इंस्टॉल द ऐप गो टू and in, and apply this coupon code. You will be you will get 40% discount instantly. Now this is the link of the app. The same link has been provided in the description section. <laughs> चलिए दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्रेडिट रेटिंग क्या होता है ऑप्शन ये कह रहा है कि क्रेडिट रिस्क एनालिसिस होता है जो कि किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या बिजनेस एंडिटी से एसोलेटेड होता है ऑप्शन बी कह रहा है कि क्रेडिट रिस्क एनालिसिस होता है जो कि केवल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड होता है ऑप्शन सी कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस है किसी बिजनेस इंडिटी का ऑप्शन डी कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस है बिजनेस इंडिटी का और इसके स्टेक होल्डर का दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मैं समझाता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है देखिए क्रेडिट रेटिंग एक असेसमेंट होता है किसी का कि बिजनेस के क्रेडिट वर्दनेस का या गवर्नमेंट इंडिटी के क्रेडिट वर्दनेस का या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्रेडिट वर्दनेस का ये एक इंडिपेंडेंट ओपिनियनियन है कि कैसे एक कि जो है अपने डेप्ट ऑब्लिगेशन को रिपे कर पाएगी और समय पे और पूरा का पूरा तो क्रेडिट रेटिंग जो है कौन असाइन करती है क्रेडिट रेटिंग असाइन करती है सीआरए सीआरए कौन होते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसा कि आपने नाम सुना होगा स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स फिर आपने सुना होगा नाम मूडीज ठीक है फिच फिच रेटिंग तो ये सभी दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं और क्रेडिट रेटिंग कौन यूज करता है इन्वेस्टर्स यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं इन्वेस्टर्स ताकि इन्फॉर्म uh, डिसीज़न ले सकें राइट किस चीज़ के बारे में कि हम ये इस पार्टिकुलर इंटिटी में इन्वेस्ट करें या ना करें पैसा दें या ना दें दोस्तों सिंपल सी बात है यदि क्रेडिट रेटिंग हायर होगा तो ये इंडिकेट करता है जो एंटिटी है वो अपने डेप्ट को रिपे कर पाएगी लेकिन यदि क्रेडिट रेटिंग लोअर होगा ये इंडिकेट करता है कि एंटिटी जो है अपने डेप पर डिफ़ॉल्ट कर जाएगी दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एक इंपॉर्टेंट टूल है अब जरा ऑप्शन क्रेडिट रेटिंग को यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया ही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसीलिए कहा गया है कि एनालिसिस ऑफ क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और बिजनेस एंटिटी राइट चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं व्हाट आर सीआर ए सी आए यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है ऑप्शंस में कह रहा है पहला ऑप्शन है कि एजेंसी जो कि क्रेडिट रिस्क को एनालाइज करती है जो कि किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है ऑप्शन बी कह रहा है कि एजेंसी जो एनालाइज करती है किसी बिजनेस इंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑप्शन सी कह रहा है एजेंसी जो कि रिस्क ग्रेड प्रोवाइड करती है एक पार्टिकुलर एंटिटी को उसके क्रेडेंशियल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे और ऑप्शन डी कह रहा है कि एजेंसी जो कि डिटेल रिपोर्ट प्रोवाइड करती है एक पार्टिकुलर एंटिटी के सॉल्वेंसी का चलिए

और ये क्रेडिट रेटिंग क्या होता है लेटर ग्रेड होता है जो कि इंडिकेट करता है कि वो इंटिटी कितना चांस है डिफ़ॉल्ट होने का अब तीन मेजर सीआरए का नाम आपको मैं बता दूँ एस यानी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ठीक है मूडीज मूडीज़ का है दोस्तों और लास्ट है फिच ये तीन हमारे इम्पोर्टेंट मेजर सियारे हैं सीए दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स को यूज़ करते हैं क्रेडिट रेटिंग को डिसाइड करने में जिसमें एंटिटी का फाइनेंशियल हिस्ट्री मैनेजमेंट टीम इंडस्ट्री ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ये सभी के सभी आते हैं तो दोस्तों जिस कंपनी का हाई क्रेडि रेटिंग होगा वो पैसा बो कर पाएगा लोअर इंटरेस्ट रेट पे देन कंपनी विथ लो क्रेडिट रेटिंग एक इन्वेस्टर चूज़ करते हैं कि हम बॉन्ड में इन्वेस्ट करें जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जा रहा है जिसके पास हाई क्रेडिट वैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट करें जहाँ पर क्रेडिट रेटिंग हाई हो रदर देन वैसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करना जहाँ पर क्रेडिट रेटिंग लो हो तो सीआारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वही कह रहा है कि एजेंसी दैट प्रोवाइड अ रिस्क ग्रेड टू पार्टिकुलर एंटिटी बेस्ड ऑन इट्स क्रीडेंशियल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट्स माई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं पूछा जा रहा है कि क्रेडिट रेटिंग का फॉर्म क्या होता है ऑप्शन नहीं कह रहा है कि डिटेल रिपोर्ट राइट ऑप्शन ए सेइंग डिटेल रिपोर्ट ऑप्शन बी न्यूमेरिकल ग्रेड ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिक ग्रेड ऑप्शन डी ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दैट इज एन अल्फा न्यूमेरिक ग्रेड तो क्रेडिट रेटिंग का फॉर्म क्या है अल्फा न्यूमेरिक ग्रेड है क्रेडिट रेटिंग को ऐसाइन किया जाता है दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक ग्रेड के टर्म में जैसे ट्रिपल ए डबल ए सिंगल ए ट्रिपल बी राइट इस इस तरह से साइन किया जाता है ट्री डबल बी सिंगल बी उसी तरह ट्रिपल सी डबल सी सिंगल सी और डी तो जितना ज़्यादा ग्रेड रहेगा उतना ही क्रेडिट वर्दी इंटिटी का है अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल जैसे देखिए स्टैंडर्ड्स एंड पुअर है इसका जो तो लॉन्ग टर्म रेटिंग स्केल होगा वो होगा ए वो होगा ए प्लस वो होगा ए माइनस ठीक है वो होगा ए माइनस ए प्लस समझ में तो इसीलिए कहा गया है कि मिक्सचर ऑफ अल्फा नुबरी ग्रेड होता है दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर समझ में आए दोस्तों तो सियारे जो है मॉडिफायर को यूज़ करते हैं ताकि उनके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को इंडिकेट कर सके जैसे प्लस या माइनस को यूज़ करते एस एंड पी राइट right. ताकि आ, ताकि वो इंडिकेट कर सके हायर या लोअर रेटिंग अब मूडीज़ क्या करती है वो देखिए ये तो एस एंड पी का मैंने आपको बताया मूडीज़ क्या करती है मूडीज़ का रेटिंग यदि आप देखेंगे तो ए ठीक है ए वन ए टू ठीक है फिर फिर दोस्तों बी ए वन बी डबल ए वन बी डबल ए टू फिर बी डबल ए थ्री तो ये सभी दोस्तों मूडीज़ का है तो मूडीज क्या करती है कि वो एक वन टू वन टू थ्री इन सभी नंबरिक कोड को यूज़ करती है मॉडिफायर के रूप में किस रूप में मॉडिफायर के रूप में ताकि हायर या लोअर रेटिंग को रेटिंग को शो कर सके इंडिकेट कर सके इसीलिए दोस्तों अल्फा नंबरिक ग्रेड, ग्रेड सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर चलिए आप दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट रेटिंग का क्या पर्पस है किसी इन के सॉल्वेंसी को एहसेस करना किसी इन के प्रॉफिटेबिलिटी को एहसेस करना किसी इन के लिक्विडिटी को एहसेस करना किसी इन के मार्केट शेयर को एसेस करना दोस्तों क्रेडिट रेटिंग का पर्पज़ ये है कि हम किसी इन के सॉल्वेंसी को एसेस कर सकें राइट टू वैसेज द सॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टिकुलर इंटीटी तो दोस्तों ये पूछेंगे कि सॉल्वेंसी क्या होता है व्हाट इज़ दिस सॉल्वेंसी तो सॉल्वेंसी एक क्षमता होती है किसी इनटी की कि वो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट कर पाए अब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में क्या हो गया नुँ. जैसे कि डेप्ट हो गया जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट हो गया ये सब इनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होते हैं तो कितना सक्षम है इंडिया की एंटिटी अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट को ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करने में वो होता है सॉल्वेंसी तो दोस्तों क्रेडिट रेटिंग को इन्वेस्टर यूज़ करते हैं लेंडर्स यूज़ करते हैं ताकि डिसीजन ले सकें कि क्या हम किसी एक पार्टिकुलर इंटिटी में इन्वेस्ट करें या ना करें और क्रेडिट रेटिंग हायर है मतलब इंटिटी जो है सॉल्वेंट होगा और अपने डेप्ट को रिपे कर पाएगा जबकि ये देखिए सिंपल सी बात है क्रेडिट रेटिंग यदि हायर है यदि ज़्यादा है तो मतलब कि वो क्या है सॉल्वेंट है वो अपने ऑब्लिगेशन को मीट कर पाएगा समझ में आए दोस्तों लेकिन यदि लोअर क्रेडिट रेटिंग है क्रेडिट रेटिंग यदि लोअर है तो इसका मतलब ये हुआ इन टी जो है डिफॉल्ट हो जाएगी एंटिटी क्या हो जाएगी डिफ़ॉल्ट हो जाएगी तो दोस्तों क्रेडिट रेटिंग का बहुत सारे फैक्टर्स पर बेस्ड होता है एंटिटी का फाइनेंशियल हिस्ट्री मैनेजमेंट टीम इंडस्ट्री ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन तो दोस्तों एक कंपनी जिसका हाई क्रेडिट रेटिंग होगा ना वो मनी बोरो कर पाएगी लोअर इंटरेस्ट पे एज कंपेयर टू अ कंपनी विद लोअर क्रेडिट रेटिंग चलिए तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि हम सॉल्वेंसी को एसेस कर सकते हैं ये पर्पस है हमारी क्रेडिट रेटिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआरए का मेन पर्पस क्या है आई थिंक वी हैव डिसकस्ड दिस क्वेश्चन ऑलरेडी व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सीआरए ऑप्शन आर टू असेस द सॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर राइट एंड ऑप्शन बी टू रेट द क्रेडिट क्रेडिट वर्धनेस ऑफ इशूअर ऑफ़ डेप्ट ऑब्लिगेशन एंड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट टू इशू क्रेडिट कार्ड टू द कस्टमर ऑप्शन डी टू प्रोवाइड लोन टू स्मॉल बिजनेस तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है देखिए मेन पर्पज़ यही है हमारा कि जो हमारे इशूअर हैं उनके क्रेडिट वर्धिनेस को रेट कर सके किस चीज़ के ईश्वर के तो ऑब्लिगेशन के ईश्वर का और, और और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के ईश्वर का तो सीआर क्या करती है कि ईश्वर के क्रेडिट वर्दिनेस को ऐसेस करती है बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे ठीक है सीआरे जो है क्रेडिट रेटिंग असाइन करती है ईश्वर को जो कि टिपिकली अल्फा नंबरी ग्रेड के फॉर्म में होता है सीआर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल सीआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टर्स को और लैंडर को जानकारी देती है कि ईश्वर का कितना क्रेडिट वर्दी है ठीक है मैंने आपको बता ही दिया कि जिस कंपनी का हायर क्रेडिटिंग होगा वो ज़्यादा वो सॉल्वेंट होगी वो अपनी डेफ्ट ऑब्लिगेशन को रिपे कर पाएगी एंड वाइस वर्षा दोस्तों आपके लिए वन मंथ का जे का क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है जिसमें आप सारा का सारा कंटेंट जे का एक्सेस कर सकते हैं हमारे पास बाय कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जेईबी का इन विच यू गेट पी वीडियोस मॉक टेस्ट डेली क्विजेज एंड एवरी कंटेंट रिलेटेड टू जे तो इफ यू वांट टू अवेल दिस पार्टिकुलर प्लान यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल द पार्टिकुलर ऐप एंड एनरॉल इन दिस कोर्स एंड यू विल गेट ऑल द कंटेंट रिलेटेड टू ऑल ऑल फॉर सब्जेक्ट ऑफ जे आई वी नेक्स्ट क्वेश्चन इस किस तरह के कि डेफ्ट इंस्ट्रूमेंट को सी आर ए रेट करती है ऑप्शन है मॉडगेज एंड पर्सनल लोन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कार लोन एंड स्टूडेंट लोन ऑप्शन डी मेडिकल बिल एंड यूटिलिटी बिल दोस्तों सही जवाब है इसका कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट तो इस तरह के डेफ्ट इंस्ट्रोमेंट को सी आर ए चाहे तो रेट कर सकती है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेडिट रेटिंग कब स्टार्ट हुआ और और किसने इसे स्टार्ट किया तो ऑप्शन ए कह रहा है 2009 में स्टार्ट हुआ और जॉन मुडीज ने स्टार्ट किया ऑप्शन बी कह रहा है 1909 में स्टार्ट हुआ जॉन मुडी ने स्टार्ट किया 2000 में स्टार्ट हुआ स्विच रेटिंग ने स्टार्ट किया 1929 में स्टार्ट हुआ और स्टैंडर्ड्स एंड पूअर ने इसे स्टार्ट किया दोस्तों सही जवाब है इसका 1909 में स्टार्ट हुआ था और जॉन मुडी ने इसे स्टार्ट किया था दोस्तों तीन रेटिंग एजेंसी जो कि इंटरनेशनल सीन को डोमिनेट करती है उसका क्या नाम है ऑप्शन ए है क्रिसिल फिच एंड एस एन पी ऑप्शन बी मूडीज क्रिसिल एंड इकरा ऑप्शन सी मूडीज एस एस पी एन पी एंड फिच ऑप्शन डी एस एन पी क्रिसिल एंड केयर सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी मूडीज स्टैंडर्ड एंड पोअर एंड फिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट कौन सा कंट्री पहला इंडस्ट्रियल कंट्री था जिसको एस एन पी ने रेट किया था तो ऑप्शन ए है यूएसए ऑप्शन बी यूके ऑप्शन सी फ्रांस ऑप्शन डी जर्मनी सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन सी फ्रांस फ्रांस पहला इंडस्ट्रियल कंट्री था जिसको एस ने रेट किया था क्रिसिल ने कब भारत में ऑपरेशन करना स्टार्ट किया ऑप्शन है 1959 फिफ्टी नाइनटीन सेवनटी वन टू थाउजेंड फाइव सो वट इज द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज नाइनटी नाइनटी एट सो फ्रेंड्स वी हैव इच एंड एवरी क्वेश्चन टेकन फ्रॉम योर मैकविलन बुक हर एक पेज से दोस्तों पाँच से दस क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आपका प्रिपेरेशन एकदम परफेक्ट हो सके यदि आप केवल एम सी क्यूज भी कर लेते हैं ना लास्ट मोमेंट में तो दैट इज दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर एग्जामिनेशन तो फ्रेंड्स आप यदि एक्सेस करना चाहते हैं एम सी क्यू के पी डी एफ को आपको सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल कैसे आप इस एम सी क्यू पी डी एफ को एक्सेस कर सकते हैं तो हमने क्या देखा क्रिसिल ने कब स्टार्ट किया था अपना ऑपरेशन तो 1998 में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूछा जा रहा है कि कितना रेटिंग एजेंसी भारत में ऑपरेट करते हैं ताकि बॉन्ड को टाइम डिपॉजिट को कमर्शियल पेपर को और स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन को रेट कर सकें कितने रेटिंग एजेंसीज ऑपरेट होते हैं भारत में 3 5 7 या 10 दोस्तों सही जवाब है इसका 7 ठीक है सात रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि ऑपरेट होते हैं भारत में जो कि इनसे रेटिंग करते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट so आगे बढ़ने से पहले वी हैव पी डी एफ प्लान फॉर यू सो इफ यू नीड क्विक रिविजन नोट्स इफ यू नीड्स कंसाइज नोट्स फॉर क्विक रिविजन एंड इफ यू नीड्स स्ट्रक्चर्ड एम सी क्यूज ऑलमोस्ट थ्री थाउजेंड प्लस एम सी क्यूज क्वेश्चन बैंक एंड यू कैन ऑफ फर दिस पार्टिकुलर प्लान ओके एंड वी आर अवेर वीर वी आर प्रोवाइडिंग फोर्टी परसेंट डिस्काउंट ऑन इच कोर्सेज सो यू कैन अवेल दिस पार्टिकुलर ऑफर एंड एंजॉय दिस डिस्काउंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग नाउ नॉलेज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा भारतीय रेटिंग एजेंसी है इसका स्टैंडर्ड्स एंड पोअर के साथ ऑप्शन है इकरा ऑप्शन बी क्रिस ऑप्शन सी केयर ऑप्शन डी रन ऑफ तो देंड्स सही जवाब है इसका क्रिसिल hmm. तो क्रिसिल जो है इसका टाइप है किसके साथ hmm. इसका टाइम है एस एस स्टैंडर्ड्स एंड पुअर के साथ क्रेडिट रेटिंग का क्या कर्पज है तो वी हैव डिस्कस ऑलरेडी ऑप्शन साथ एस एज द क्रेडिट वर्धनेस ऑफ एन इश्यूअर एक्सज द क्रेडिट वर्धनेस ऑफ एन इंडिविजुअल कस्टमर एक्स एज द क्रेडिट वर्धनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन डी नन ऑफ दैव तो ऑबियस बात है इसके थ्रू हम लोग ईशोर के क्रेडिट वर्धनेस को चेक करते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्रेडिट रेटिंग का बेसिस क्या होता है ऑप्शन ए एक्सपर्ट ओपिनियन ऑप्शन बी पर्सनल रिलेशनशिप ऑप्शन सी फाइनेंशियल डेटा ऑप्शन डी पब्लिक ओपिनियन सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज द फाइनेंशियल डेटा नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ आर क्रेडिट रेटिंग एक्सप्रेस क्रेडिट रिटिंग को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है लॉन्ग सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम में वेजर सिंबल में दैट इज इज इजिली टू अंडरस्टैंड एंड इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो बताइए क्रेडिटिंग को कैसे एक्सप्रेस करते हैं तो क्रेडिट रेटिंग को एक्सप्रेस करने के लिए दोस्तों हम सिंबल का यूज करते हैं इसको आसानी से समझा जा सकता है सो इन सिंबल दैट आर इजी टू अंडरस्टैंड क्रेडिट क्रेडिटिंग हाउ डज इंप्रूव आवर मेंटालिटी सो फ्रेंड्स क्रेडिटिंग क्रेडिटिंग क्या प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को बाइस्ड ओपिनियन uh, फिर अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन अनरिलेटेड डाटा अनबाइज्ड ओपिनियन तो ऑब्वियसली बात है अनबाइज ओपिनियन प्रोवाइड करता है राइट right? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्रेडिटिंग इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या बेनिफिट है सीआर का इन्वेस्टर के लिए ये इन्वेस्टर को फ्री मनी प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर को फ्री मनी प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर को इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ एंट्री तो दे 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 गारंटी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे हेल्प हैल्व एज रिस्क इन्वॉल्व इन 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 इन्वेस्टमेंट दे प्रोवाइड इन्वेस्टर विद फ्री मनी सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट दे हेल्प देव एज रिस्क इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन तो यू यू कैन इंस्टॉल अवर जे आवी एंड जे वी सिंपल मेड सिंपल ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर दिस टाइप इंटरफेस विल ऑफर ओके इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू जे आई फिल फ्री टू व्हाट्सएप ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप तुरंत वीडियो को देख पाए और फ्रेंड्स वी आर ऑल्सो ऑफरिंग डू लाइक एंड शेयर थैंक यू